हज़बिल्लिमिनीम बिसमल और मेरे प्यारे बहन और भाई उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अगर आपने अभी तक इस्तारा नहीं करवाया तो ब्राय मेहरबानी इस्तारा भी करवा लें अल्लाह की रज़ा जानना अल्लाह से मशवरा करना अच्छी बात होती है आज मैं जो अमल आपको बताने लगी हूँ ये उन बहन भाइयों के लिए है जो बहुत तकलीफ़ में हैं जो अपने प्यारों से दूर जाने की वजह से बहुत असियत में है और उनका दिल है कि किसी न किसी तरह उनकी मुश्किल आसान हो जाए आज मैं आपको दो बदामों का अमल आपको बताऊंगी। दो बदाम आपने लेने हैं अब दोनों बादामों के ऊपर आपने पढ़ाई करनी है दोनों बादामों के ऊपर आपने पढ़ाई करनी है इतना आसान अमल आपको कोई नहीं बताएगा और हमेशा आपका प्यारा आप बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे पता है पिछले जब पहले ज़माने होते थे ना तो वहाँ पर गुलाम को हम आज़ाद करवाते थे और फिर हम अपने पास उनको रख लेते थे बिल्कुल इसी तरह आपका दीवाना और इतना ज़्यादा पागल होगा कि आपको छोड़ कर जाने वाला नहीं है पर अमल को जो तरीक़ा है उस तरीक़े से ही आपने करना है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये अमलियात है अब आपने जो अमल के वक्त जो मतलब कि आयत मुबारक पढ़नी है अमल के वक्त जो आपने आयत मुबारक पढ़नी है वो है सूर मुज़म्मिल सरह मुज़म्मिल की पहली आयत सर मुज़म्मिल की पहली आयत आपने पढ़नी है और कितनी मरतबा पढ़नी है एक सौ एक मरतबा पढ़नी है दोनों बदामों के ऊपर पढ़ेंगे एक ही दफ़ा पढ़ेंगे दोनों के ऊपर दम कर देंगे दोनों बादामों के ऊपर आपने दम करके ठीक है वो बादाम जो उनसा है आपने अगर आपका प्यारा बहुत दूर है बहुत दूर है आपसे आपके पास नहीं आ सकता तो आपने क्या करना है उस बादाम को किसी पानी में डाल के बोतल के अंदर पानी लीजिएगा उसके अंदर दोनों बादामों को पानी में छोड़ दें ठीक है ना अब आपने बादामों के ऊपर पर पर के दम करना है मतलब कि आपने इसको कम अज़ कम इस अमल को जो करना है वो आप चाहें तो तीन दिन से ज़्यादा ना करें तीन दिन तक करें क्योंकि उस शख्स का पानी में ऐसे दिल डूबा रहेगा इतना बेचैन रहेगा कि आपकी सोच है जब तक वो बादाम पानी में रहेंगे आपको जब लगे कि ये आपको याद नहीं कर रहा या आपको मतलब कि ये परेशान कर रहा है या आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप उस बोतल को ज़ोर से हिला दें ठीक है ना ताकि उसमें एक तसल्स एक जो है हरकत पैदा हो जाए और जितना बादाम मतलब कि उसके अंदर फूल जाएंगे ना उतना ही उतना ही आपकी मोहब्बत जो सा है अलहमदिल्ला उतनी बेकरारी होगी अब जो लोग मतलब कि अगर देखें कि बोतल के अंदर जब आपने पानी डाला ना तो अक्सर दफ़ा उसको पानी गर्म पानी के ना पानी गर्म करें किसी और बॉल में ठीक है ना उस बोतल को गर्म पानी में छोड़ दें अगर किसी को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मतलब कि आपने तपिश पहुँचानी है ये चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मुखलिस होकर मिले और उतनी मोहब्बत उतनी बेचैनी उसको हो जाए कि वो मतलब कि आप तक पहुँच जाए तो फिर उसको हाँ अगर किसी ने निकाह के लिए करना है अगर निकाह करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो उन मतलब कि आपस आप जब बादाम फूल जाए ना उसको एक दफ़ा बोतल से निकाल के ना तो उसके अंदर बोतल से निकाल करना फिर उसके पर दम करें फिर इसी तरह पढ़ाई करें पढ़ाई करके तो फिर उसको बोतल के अंदर डाल दें तो इन अल्हम्दुलिल्लाह 40 चालीस दिन के अंदर अंदर आपका निकाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा अगर रिश्तों की प्रॉब्लम है तब भी आप ये अमल कर सकते हैं और अगर हस्बैंड वाइफ का मसला है या कोई ऐसी परेशानी है फिर वो बादामों वाला पानी उसको पिला दें कि इतना मोतबर चीज़ बनेगी पानी पिला दें वो आपसे इतनी मोहब्बत रखेगा कि इतना बेचैन आपके नाम का हो जाएगा कोई उसको आपकी मोहब्बत को उसके दिल से निकाल नहीं सकता तो ये अमल आप किसी भी दिन कर सकते हैं अगर आपने मुझसे टाइम पूछना है तो ईशा की नमाज़ के वक़्त अमल करें ठीक है दिन कौन सा हो तो इतवार और पिर के दिन येमल करें इन शाला अलहमदिल्ला बहुत ताकतवर अमल है इसी के साथ इजाज़त दें अपना ख्याल रखिएगा दुआओ में याद रखिएगा जजाक